नमस्कार, विपणी समाचार में आपका स्वागत है। रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को समेटा, भारत बेंगलुरु टेस्ट जीता। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने उतार चढ़ाव से भरे रोमांचक दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे ही दिन सोमवार को ऑस्ट्रेलिया टीम की दूसरी पारी सस्ते में निपटाते हुए 75 रन से मैच अपने नाम कर लिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 41 रन देकर 6 विकेट लिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में मेहमान टीम 35.4 ओवर में 112 रन पर ही ढेर हो गई। अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को सस्ते में निपटाया और 12.4 ओवर में 41 रन पर सर्वाधिक 6 विकेट निकालकर मेहमान टीम को चायकाल के कुछ देर बाद ही धराशायी कर दिया। भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट इतिहास की यह 25वीं जीत है। अश्विन के अलावा तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 30 रन पर 2 विकेट, ईशांत शर्मा ने 28 रन पर 1 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 3 रन पर 1 विकेट निकाला। यह 25वां मौका है जब अश्विन ने पारी में 5 विकेट की उपलब्धि अपने नाम की है। अश्विन ने पहली पारी में 2 विकेट झटके थे और मैच में कुल 8 विकेट झटकाकर सबसे उपयोगी खिलाड़ी साबित हुए। भारत ने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के वेश कीमती 68 से दूसरी पारी में 97.1 ओवर में 274 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने 188 रन का लक्ष्य रख सका। भारत की पारी लंच तक समाप्त हुई थी, लेकिन इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी डेढ़ सत्र के अंदर 35.4 ओवर में 112 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने चायकाल के बाद मात्र 11 रन के अंतराल में अपने शेष 4 विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया ने इसके साथ ही 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर आलोचकों के मुंह भी बंद कर दिए। अश्विन ने अपने 6 विकेट के कारनामे के साथ पूर्व दिग्गज लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ दिया है और भारतीय टेस्ट इतिहास में 5वें सबसे सफल गेंदबाज बन गए। बेदी के 266 विकेट थे, जबकि अश्विन के 269 विकेट हो गए हैं। मैच का चौथा दिन हर लिहाज से सनसनीखेज रहा, जिसमें DRS को लेकर खासा विवाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 8 विकेट 49 रन जोड़कर गंवाए। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नक्सलियों को समर्थन देने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GM साईं बाबा को उम्र कैद। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, अयोध्या मामले में सजा मिली तो इसे भगवान का प्रसाद मानूंगी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा की जांच चौकियों पर आतंकवादी हमले में 5 सैनिकों की मौत। 4000 मेडिकल PG सीटें बढ़ने से 1 लाख तक नए डॉक्टर तैयार करने की राह बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव ने कहा, कभी नहीं सोचा था नेताजी के जीते जी अखिलेश अलग हो जाएंगे। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।